فاطمة غيسيني يا مولاتي يا فاطمة غيسيني يا مولاتي يا فاطمة غيسيني بحق أبو الفضل العباس رمضان يا حجاب زينب ادركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد رب صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھو باواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد امام زمان علیہ السلام دی آمد اور سلامتی واسطے باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اپنے اپنے جائز مقاصد دی تکمیل واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وآل محمد مرحوم مومنین و مومنات و سادات و عزام بالخصوص قبلہ سید محمد راجو شاہ کردیدی صاحب دے درجات دی بلندی واسطے باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری صلوات باواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين صلوات اللهم صل على محمد وعلى الصلات والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد سقلائن الشمس المشرقائن والمغربائن جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صلوات وتعوذنا اللهم صلی علی محمد و آل محمد الضارب بالسائفین التائن برمحین ضربت ولی فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائن نعرہ حیدری آئی الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة محرومة الانحق امرا سے ابیہا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين سین جی ذات صلوات و تیوازنا الصلاة والسلام عليك يا أفضل الشهداء يا عبد الصالح يا أبو الفضل العباس باز نام تے صلوات باواز بلند پہن سکے نہ جہاں توجہ ہے نا ایک تو ہو تھوڑے بھی بے علیحدہ علیحدہ گئے ہو کوئی کٹھے تھی ونجو تو تھوڑے دے مول سونا بنو جا ونو بھجے نہ گاو نیاز حسین بڑی توجہ چار سترہ دن آپ دے حوالے کرنا چاہنا پہن سکے نہ جہاں کوئی بھی وہاں پہنچے ایک واحد ہستی ہے سادہ آخری نبی جس کو اللہ نے ایسی بلندی عطا کی تھی جیڑی کسی نبی کو بھی عطا نہیں پہنچ سکے نہ جہاں کوئی بھی وہاں پہنچے
हो ऐसा शख्स तो उसको रसूल कहते हैं, हो ऐसा शख्स तो उसको रसूल कहते हैं। अर्थ करदा वही रसूल किसी की अगर करे ताजीम, हमारी बज्म में उसको बतूल कहते। सलामत आबाद रहो। एक हो तारुफ जनाब सैयदा मादर हसनैन दा, कहीं बनाए से बिनते रसूल बनती है, तो जो कहीं बनाए से कोई बना सकता है, ओ हस्ती हैं जिन्हें को खुदा आप बना के भेजे, कहीं बनाए से बिनते रसूल बनती है। कोई कोई कली किस्मत से फूल बनती है, कोई कोई कली किस्मत से फूल बनती है। अर्थ करदा पिसर इमाम पयंबर पदर वली शौहर, ये सब शरफ मिले तो फिर एक बतूल बनती है। आबाद रहते रहो। दुआ है मालिक कनात कि वाला मखदूम साहब आंदा ये दस रोजा अयाम फातिमिया दा इहतमाम अपनी बारगाह दे विच मंजूर मकबूल फरमावे। मालिक कनात इस जिक्र दा सदका कि वाला मखदूम सैयद अहमद नवाज गर्देजी साहब और उन्होंने खानदान वे हर फर्द मेरा मालिक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अफात बलिया तुम महफूज रख। और किबला मखदूम मोहम्मद यूसुफ शाह गर्देजी और सैयद अली कासिम गर्देजी साहब को मेरा मालिक लंबी जिंदगी अता फरमा। और मेरा मालिक उन्होंने खानदान के हर फर्द को अफात बलिया तुम महफूज रख। और केवल राजू शाह साहब दे दर्जात बुलंद फरमा। और भी जितने मरीज हैं मेरा मालिक तमाम को सेहत कुली नायत फरमा। मे औलादा को औलाद दे, मेरिज को रिज्क दे, बेघर को घर दे, बेजार को जार दे, जमाने दे वारिस दा जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। इस जिक्र दा सदका मेरा मालिक असा सारे को किसी दुनियादार बंदे का मोहताज न कर, अपनी जात का मोहताज कर। मेरा मालिक साहब को हज ज़ियारत नसीब फरमा। मेरा मालिक इस जिक्र दा सदका सारे जमाने के वारिस का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। एक सलवात पढ़ो बावाज बुलंद। आओ भाई वतनी जबान को मुअत्तर करो, सलवात पढ़ो बावाज बुलंद। है इजाजत दो चार शेर कसीदे दे। एक सलवात पढ़ो बावाज। ओ वजूदे फातिमा सोचों से इतना मरा देखा, 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 वजूदे फातिमा सोचों से इतना मरा देखा। अब आदर दे रहा हो, बार बार आ कर वजूदे फातिमा सोचों से इतना मावरा देखा, यानी बुलंद देखा, जितना सारिया सोचा की इंतहा उन्होंने फजाइल की इब्तदा। नियाज हुसैन कौन जहरा कौन बतूल, जनाब के बारे शेयर करना चाह रहा भाई। नहीं आती अगर जहरा जहां बेनूर हो जाता, नहीं आती अगर जहरा जहां बेनूर हो जाता, खुदा के जिक्र से सारा जमाना दूर हो जाता, नबी के दीन का गुलशन इसी गुल से सजा देखा। मावरा देखा इसी गुल से सजा देखा। भाई जान कायनात दे विच इस तो वड़ा वसीला है ही नहीं,
जलन भी कोई मुश्किल हो वे इस बीबी सैयदा को वसीला बना तवसल कर और राबता कर इंशाल्लाह तेरी जो भी मुश्किल होती हल हो सी। किबला काजम कज़वीनी बहुत बड़े आलम गुजरे इराक दे उन्होंने किताब दे जुमला भाई एक दफा मेरे को इराक की फौज ने गिरफ्तार किया गिरफ्तार के मेरे को गड्डी दे विच पा के टुर पे अचानक गड्डी रोड तो लैदा एक साइड से वैराने दे विच गिन गए उन आपस दे विच गुफ्तगू की थी भाई कबर खट के इन्हें को जिंदा ही दफन करना है वो जो है अदे जिस वेले मैं उन्होंने गुफ्तगू सुनी उस वेले मैं जनाब सैयदा को तवसल किया मैं कह बीबी अगर मेरी आज जिंदगी बच वेंदी है तो मेरी मदद करेंदे हो तो मैं तुहाडे नाल वादा करेंदा मैं तुहाडी हयात तैयबा ते एक किताब लिखसा ठीक बस वादे ये लफ्ज़न मेरे कोई ऐसी कोई फोन कॉल आई उन्हें कहा भाई हाल ही सारा प्रोग्राम कैंसल थे किबला साहब को आज़ाद कर छोड़ो ठीक है भाई जान इतना बड़ा वसीला जरा अल्लाह विराद नहीं करता हाँ भाई भवर में आई कश्ती तो किनारा दे दिया मुझको भवर में आई कश्ती तो किनारा दे दिया मुझको लगी ठोकर अगर कोई संभाला दे दिया मुझको हर एक मुश्किल मिले ही नाम मैंने आजमा देखा सलामत रहो आबाद रहो जो इन्हां दी रजा वो अल्लाह दी रजा ठीक है जो अल्लाह दी रजा वो इन्हां दी रजा ठीक है नियाज हुसैन इसे लाभ दे रजा को सामने रख के जनाब के हवाले शेयर करना चाहना हाँ भाई रजा जो है खुदा की वो रजा इनकी नजर आए रजा जो है खुदा की वो रजा इनकी नजर आई अता जो भी खुदा की है अता इनकी नजर ना ये रब से जुदा है और न रब इनसे जुदा देखा एक सलवात पढ़ो बाबा बुला मालवी जबान कुमतर करो सलवात पढ़ो भाई जान जनाब सुलेमान अपने इलाके का बहुत बड़ा अमीर तरीन इंसान तवज्जो भाई जान अपना बख्त छोड़िया अपना तख्त छोड़ा सफर करें आया मदीने आया भाई जान ऐसी इस दरवाजे की गुलामी अख्तियार की थी झाड़ू देंदा या अपनी रीश मुबारक ना जनाब सैयदा के दरवाजे थे और मालक अंग्रेज की नीयत इतनी पसंद आई नबी को ए तमगा ता किता कि सुलेमान तू साडी अहले बैत चो है ठीक आओ अस सारे रल के जनाब सुलेमान की खिदमत विच इयो सवाल करना चाहने केड़ा हां भाई जमाने की शहनशाहे मसल कर अपने कदमों में जमाने की शहनशाही मसल कर अपने कदमों में उम्र तेरी गुजरती है इसी चौखट पे सजदों में दरे जहरा पे ऐसा भी बता सुलेमान ने क्या देखा सलामत रहा एक सलवात पढ़ो बाबा बना वाली जबान को मुत्तर करो सलवात पढ़ो बाबा बना जनाब बिलाल बहुत बड़ा मकाम है साहबी रसूल का लेकिन होवे साहबी ठीक क्या मकाम भाई जान लोग एतराज किया
जरा तुसा मौजन की मुकरर की ते साको ए मौजन मंजूर नहीं। नबी ने आग छोड़ा, बिलाल मैं नहीं पियादा, ये लोग पियादन सवेरे तू अजान नहीं देवनी। तवज्जो, मालिक को मेरे को खता तो नहीं है। नहीं नहीं बिलाल गल समझना, मैं नहीं पियादा, लोग पियादन, तू रंग दाल जुबान च लुकना तो शीन कुसीन करके पढ़ दे। दिल से ठेस लगी, टुरदा टुरदा हूं दरवाजे आले पास रोकीता जिथू नबी आ के इमदाद मंगते रहे। आया दली दे सैयदात बोसा लिता, सैदा ने कनी सारी सैन जनाब फिजा दीद पई। बिलाल क्यों मदर होना है, वन मुर्शे दादी को इतला दे मे को अज डिप्टी तू उठा छोड़ा ने। सैन फिजा ने आके इतला दी थी, जनाब सैयदा मादर हसनैन पाक रसूल दी कदी मुस्करा के फरमेन भेन फिजा लगी वन दरवाजे ते। मेरी तरफ चाचा बिलाल को आग, चाचा बिलाल घबरा नहीं, तू इत्मीनान करके सामान। चाचा बिलाल मैं बतूलो के वादा पे करें दिया, जब तक तू अजान न दे से सूरज चढ़ी नहीं सकता। तवज्जो करो से यार, जब तक तू अजान न दे से सूरज चाढ़ी नहीं सकता। नियाज हुसैन बड़ी तवज्जो बात होया क्या, हां भाई, जो तेरे नूर की अदना सी है खैरात मासूमा, जो तेरे नूर की अदना सी है खैरात मासूमा, तेरी तो बात ही क्या है कि तू उसकी है मखदुमा, तेरे हबशी की मर्जी से भी वो सूरज रुका देखा। या एक सलवात पढ़ो बाबा से बला। अज अलामा साहब कितने बजे आने हैं, सवा सात, चलो ठीक। एक सलवात पढ़ो बाबा से बला। मलवी जबान को मोतर करो, सलवात पढ़ो बाबा से बला। काबिले रश्क मुकद्दर है अली वालों का, 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 काबिले रश्क हैरान को ले जनन जमाने वाले किसी अली वाले को देख रहे अली वाले क्या दे जन जमाने ते बसुई दा लिबास काबिले रे खाना है या नहीं, लेकिन इस बावजूद जो चेहरे ते विलायत अली दा नूर चमकदा है। जमाने वाले रश कर दे, देखो तो सही, आप देखो कितना सोना मुकद्दर अली वालों का, काबिले रश्क मुकद्दर है अली वालों का, काबिले हर काम में नंबर है अली वालों का। या आबाद नवाज दरा बगदाद शहर, अली मौला दा एक मलंग, छड़ा मलंग नहीं बल्कि उलूम आले मोहम्मद रखने वाला एक आलम, क्योंकि सादिक आले मोहम्मद फरमेंदन जेड़ा बंदा सारी विला रखता है वह जहल नहीं होता। बगदाद दियां गलियां चौक दे खड़ो के सदा बुलंद वदा करदा है, कौन है जेड़ा मेरे कोलू जन्नत दे घर खरीदे। कोई को पागल समझदे, कोई दीवाना, कोई बेपरवाही करके टुर पौंदा। यो मंजर कैनिट है जनाब जुबैदा दी कनीज अजीब ताजरे, जेड़ा जमीन ते बह के जन्नत बैठा भी चाहता है। हैरान हुई, परेशान हुई, इसे हैरानी दे आलम दे विच घर दे विच आई, जनाब जुबैदा दी दीद पई। देख के फरमाइंदन मेरी कनीज वजह क्या है, हैरान हो परेशान नजर पयानी वजह देख क्या जे बीबी हैरान ना होवां तां क्या करा, एक ताजर डिठी आनी आ। ताजर, हां बीबी,
बगदाद बहुत बड़ा शहर है, लोग तजारत की खातर आते ही वेंदे ही, तू क्यों परेशान है? अज भी बहरान ना हुआ तो क्या करा, मुल्क की तजारत तो सोनी आई, ये कोई होर तजारत बैठा करें दे। वो कैसी तजारत, क्यों हैरान है? अदे बीबी क्या दसा वा, वह इतना बह के उतों की शायद बैठा भी चाहता है, क्या बैठा भी चाहता है? बीबी वो जमीन से बह के ऐलान वादा करता है, कौन है जेड़ा मेरे को जन्नत के घर खरीदे? जन्नत के घर का नाम आया, जनाबे जुबैदा के चेहरे से खुशी की लहर दौड़ गई, अपनी कनी के पास देख के आ दिए, खोल दे को बेच के खाना कोई आसा नहीं, खोल दे को बेच के खाना कोई आसा नहीं, बेचने इंसान नहीं, लाजमन ये कोई लीडर है अली वालों का। एक सलवात पढ़ो बावाज बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या अली। मालिक जिंदगी अता करे, ऐसी औलाद मालिक हर किंग नसीब फरमा दे। अली वाले हो ताए बगदाद शहर की गल भाई तैयार हो प्रोग्राम, ताए कूफा शहर की गल सुना छोड़ा, कूफे का शहर इब्ने ज़ियाद कमीने दे दरबार सामने खड़ो तन जनाब मिसम तमार। हर दौर अली वाले वास्ते मुश्किल तो मुश्किल है, मुश्किल है। एक बंदा है ना भाई जान, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, मौला मैं तुहाडे गैर दर छोड़ के तुहाडे दर ते आ गया। इमाम पता है क्या फरमाए? इमाम फरमाए हुण अजमैश वास्ते तैयार हो जा, ये दुनिया साढ़े मनण वाले वास्ते आसान नहीं, साढ़े मनण वाले वास्ते ये दुनिया मुश्किल है, अजमैश। भाई जान हर दौर अली वाले वास्ते मुश्किल तो मुश्किल आया, लेकिन अली वाले ने ऐसे अंदाज नाल जिंदगी गुजारी, आवन वाली नस्लों को कोई ना कोई दर्श दे के टूरे सामने खड़ो थे। बिस्मिल्लाह जनाब, जनाब मीसम तमार एक कमीना इब्ने ज़ियाद देख क्या था, मीसम मशवरा लेना ली दर छोड़ मेरे दर ते आ। जनाब मीसम मेरे पास रिठा देख के फरमाने, अच्छा मैं तेरे दर ते आ भी बना तो वह तेरे साहब मेरे को मिल सी क्या? और मैं याद रहा भाई जान, अली के दुश्मन को सिवाय दौलत भी यही कुछ ना, इस जड़नी सहारा गिदे तो दौलत का। इन्हें क्या हमेशा में जरा पुराना लिबास पाती खड़े ना, इनके बदले हमने शाही लिबास लेना, जो कुछ मेरे को मंगे मैं अता करदा। न्याय बड़ी तवज्जो, जो कुछ मेरे को मंगे मैं अता करदा। जनाब मीसम ने इसकी बकवास सुनी, इस दख दे अख पा के कमीना बकवास न कर, जिंदगी छोड़ के मौत वाले पास टुर पवा। अली अली करना सारे वास्ते जिंदगी, अली तू दूरी सारे वास्ते मौत। एक कमीना तड़पा देख क्या दमी सम, याद रख अगर ते अली दा दर छोड़ के मेरे दरवाजे ते सर ना झुकाया, मैं तेरे हाथ पैर कतल करा के ते सूली ते लटकवा छुड़े सा। सूली दा नाम आया अली दम दीवाना मस्ताना, घबराया नहीं, परेशान नहीं होया, बल्कि इस कमीने दी आग दे विच आग पा के आवण वाले नस्लों को एक मैसेज प्या देंदा है, एक पैगाम प्या देंदा है। वो पैगाम केड़ा देखिया दे, काट दे मेरे अज़ा सूली चढ़ा दे, चाहे काट दे मेरे अज़ा सूली चढ़ा दे, चाहे कत्ल करके मेरी मैयत भी जला दे, चाहे ओ कत्ल करके मेरी मैयत भी जला दे, चाहे गैर को झुकता नहीं सर है अली वालों का। आबाद रहो, वजदे रहो। अगला जो शेर है ना भाई जान, माहौल को देख के पढ़ना पौंदा है, ते भावें थोड़े हो अल्हम्दुलिल्लाह हो समझदार, मेरा दिल आदे के आखिरी शेर तो सुना छोड़ा।
भाईजान कुछ लोगों की आदत गिरोह की सूरत सफर करना है, किसे शहर के गए उन्हें अपनी मंजिल का रस्ता पूछा, लोगों दस छोड़ा भाई तुहाड़ी मंजिल इस रस्ते ते वेसो, अपनी मंजिल मकसूद ते पहुँच वेसो। थोड़ी जी देर बाद ये वापस वाल पाए तो भाई तुस आप मंजिल मकसूद ते नहीं पहुँचे, क्या तो को रस्ता सही समझ नहीं आया? नहीं नहीं, तुस को रस्ता सही दसा है, लेकिन सारी मजबूरी है इसे रस्ते दे उते एक इमारत है जिन्हें उते एक अलम तवज्जो है, जेडे राह ते अलम होवे ना असू राह तो गुजरना नहीं फितरी। हाँ हुण मेरा सवाल यह है, जन्नत क्या है? तवज्जो, जन्नत क्या है? बकौल शहीद मोहसिन नकवी वो लिख गए, कहीं बहलोल ने बेची कहीं हुर ने खरीदी है, कहीं बहलोल ने बेची कहीं हुर ने खरीदी है, खुदा बंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। अजीम लोग हमेशा अजीम बात लिख पे भाई जान जड़िया कयामत तक याद रहा, और इन्होंने इन बातों की वजह तो वह लोग आप भी जिंदा रहते हैं। हदीस रसूल सकलैन के जवाना ने जन्नत के सरदार हसन तो हुसैन है, गोया कि जन्नत जागीर है हसनैन शरीफैन की इवे ना। हुण जिहड़ी जागीर हो हसन तो हुसैन के उत्ते अलम तो जनाब अब्बास दा होणा ना, ठीक है भाई जान। आदत एक मुहावरा भी है, आदत सिर नाल वेंदी है, लेकिन ये आम बंदे वास्ते जिहड़ा अली दा दुश्मन है उसकी मरण तो बाद भी वह आदत बरो दे माशर हद विच अमालनामे किन पे वेंदे हो जन्नत, किन पे वेंदे हो जन्नत? असा सब तो पहले जन्नत वे क्यों तो हक कोई हिसाब नहीं होना, नहीं नहीं सा हर अमल पूरा है, इस वास्ते असा सब तो पहले जन्नत वे उबाले के जन्नत आले पास तुर पोसन वत वो जमान आली आदत असं वापस वाल पोसन। लोग पूछन वजह क्या है? तुस तो जन्नत बनने वास्ते उबाले आवे तुहाडे नाल क्या बनी? उस वेले कमी ने एक दूजे के पास देख के आखन खोल दे के देख के बाजी बोल सकते हो बोले सो भाई जान अब आद रोज दे रो हाँ भाई खोल दी के दे लगा देख के गाजी काल खोल दी के दे लगा देख के गाजी काल देख के कह देंगे जाएंगे ना इस सिंत को ओ देख के जाएंगे ना इस सिंत को हम ये आलम वाला कोई घर है अली वालों का सलामत रहा बादर एक सलवात पढ़ो बाबा से बुला बलवी जबान को मुत्तर करो सलवात पढ़ो बाबा वालेकुम सलाम या अली। ए नबियां दी लाजे ते कलमे दा काजे इंदे बाजू दींदे पना होर कोई नहीं। ए नबियां दी लाजे ते कलमे दा काजे इंदे बाजू दींदी पना होर कोई नहीं। ए नबियां दी लाजे ते कलमे दा काजे इंदे बाजू दींदी पना होर कोई नहीं। ए नबियां दी लाजे ते कलमे दा काजे इंदे बाजू दींदे पना होर कोई नहीं। ए नबियां दी लाजे ते कलमे दा काजे इंदे बाजू दींदे पना होर कोई नहीं। ए नबियां दी लाजे ते कलमे दा काजे इंदे बाजू दींदे पना होर कोई नहीं। ताही दीन अज भी पनाई तू मंगे देता तो अज भी पनाई तू मंग दे इंदे बिन उंदा आसरा होर कोई नहीं। या अली अब आदरो वजरो भाई जान नबी दा सार साइड दे विच
या है। आका हुसैन आके नाने नहीं पूछते बैठे कोई किताब, कोई आलम, कोई मुफ्ती, कोई मौरख ना लिख दे न दसें दे कि सरदार हम प्यारे नवाज से कुलाया हो लाया नहीं बल्कि सही दे कुतू त्रै दफा तभी पढ़ी सात चावन का इरादा किया अल्लाह दे वादे नहीं नहीं हाली सर नहीं चावना तवज्जो सात दफा तस्बी सात चावन का इरादा अल्लाह दे वादे नहीं हाली भी सर नहीं चावना मालिक हुण तक तुम्हें कुआदा रही इबादत घटा हुण प्या दे सजदा वधा कितना सजदा वधावने अल्लाह दे वादे बयान मेरा हबीब याद रख जब तक अपनी मर्जी नाल हुसैन न लहे उम्र तक सर नहीं चावना मालिक वजह क्या है हुसैन दी क्या अजमत है उस वेले अल्लाह दी आवाज पयानी मेरा हबीब याद रख तू भी मैं डरा से एवी मैं डरा से तू भी मैं डरा से एवी मैं डरा से तू भी तो जो जालो हुसैन बड़ी कीमती सत है एवी मैं डरा से तेरी कने उते बैठा रूहे नमाजे जड़े बोल सकदे बोले तो भाई जान तू भी नमाज़े तू सजदा वधा के कुराज कर चा तू सजदा वधा के कुराज कर चा इंदे बाजू मेरी रजा हो रे कोई नहीं या अलिया अब आदरो दिराओ भाईजान अल्लाह दी कनाज़े अल्लाह जाने कितने शहर हैं ठीक लेकिन जो अजमत करबला के हिस्से आई वह किसे शहर को नसीब नहीं आई भावें मक्का है भावें मदीना है इसकी वजह नियाज़ हुसैन मेरे लफ्ज़ नाल सफर करना हाँ भाई मदीने दी अजमत है अपनी जगह ते मदीने दी अजमत है अपनी जगह ते नजफ दी फजीलत भी अपनी जगह ते नजफ दी फजीलत भी अपनी जगह ते नजफ दी फजीलत भी अपनी जगह ते मगर करबला को जो इज्जत मिली है मगर करबला को जो इज्जत मिली है किथे ए जई करबला होर कोई नहीं आखिरी शेर है अच्छा हाजिर हाजिर ताबे जाता अब हाजिर वक्त दे रहा हो भाई जान ये वजह क्या है अजमत करबला दे हिस्से दे विच क्यों आई है कदा सोचो भाई जान हमेशा फिक्र दी बात आउंदियां फिक्र करना चाहिए ठीक न इतनी अजमत मक्के को मिली न मदीने को जिस दे बारे दे विच मासूम फरमाने जेड़े कदम को नजफ दी मिट्टी लग गई वह कदम कदा जहन्नम वन ही नहीं सकता तो जो कितने खुश नसीब लोग हैं भाई जान सब को अल्लाह ने ऐसे इमाम और हादी अता की थे जिन्होंने शहर की मट्टी पैर को लग वे बंद जहन्नम तो बच वे ठीक वह अजमत नजफ को नहीं नसीब हुई करबला के हिस्से क्यों आई तवज्जो इसकी वजह यह जैसे वलीद आख्या ना बैयत हाँ वो गल पे कर दा जनरल वलीद आख्या ना भाई जान बैयत इमाम हुसैन फरमाते किस दी यजीद दी इमाम फरमाते मैं और उसकी बैयत इमाम फरमाते तू तो आज प्यादा ना मैं प्यादा आज नहीं बल्कि कयामत तक कभी मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करेगा गोया के मतलब में करबला ने हद फासल चेक छोड़ी दो फिरके बन गए एक दिना यजीदियत दूसरे दिना हुसैनियत अगू यजीदियत दे जितने मर्जी ब्रांचा बना गए जेड़ा हुसैन तो दूर हुए वो यजीदी है ठीक है ना इस कमीने ने शाही रोह पावन का इरादा किया हुसैन अगर बैयत नहीं करता वह तक मदीना छोड़ना पोसी इतना ही मेरे मजलूम इमाम को जला लिया नियाज़ हुसैन लफ समझे इमाम फरमाने तुस क्या समझे साड़ी इज्जत मदीने की वजह तू है इमाम फरमाने साड़ी इज्जत मदीने की वजह तू नहीं बल्कि मदीने की अजमत सारी वजह तू है इमाम फरमाने तू प्यादा मदीना छोड़ और मैं मदीना छोड़ना है क्यों मेरी शहादत विच इस्लाम की बका है मैं मदीना छोड़ना है लेकिन याद रख जे कुछ छोड़ के प्या टुरदा वह सिर्फ मुनवरा बन सी जे को बन के आबाद करे सा वह मुअल्ला बन सी
मजलूम करबला की जुबान में लफ्ज निकले अल्लाह तकदीर बना छोड़ी। हुण कायनात दे विच एक ओ मौला है एक करबला मौला। नियाज़ हुसैन भाईजान उलमा दी नगरी उलमा कोल पुछे मक्के की बड़ी अजमत लेकिन बंदा मिट्टी खा नहीं सकता भावे काबे की छत की मिट्टी होवे खावन जायज नहीं। मदीना मुनवरा बना लेकिन मिट्टी खावन जायज नहीं भावे दलील मुस्तफा की मिट्टी भी होवे बंदा मिट्टी नहीं खा सकता। नजब अशरफ मिट्टी खावन जायज नहीं। सिर चा मेरा शिया सुनी भाई जिथे जिथे लाइव प्रोग्राम जा रहे हैं उतो उतो तक पैगाम पहुंचाना चाहना हाँ भाई अजब है जमाने ते करबल दा रुतबा अजब है जमाने ते करबल दा रुतबा अली दे पुत्र ने जिथा कीता सजदा अली दे पुत्र ने जिथा कीता सजदा अली दे पुत्र ने जिथा कीता सजदा ओ मट्टी भी खा के शिफा बन गई है ओ जड़ बोल सकते हो बोले सो शिफा बन गई है इंदे बाजू खा के शिफा होर कोई नहीं। सलामत रहो आबाद रहो किबला साहब का हुक्म के कसीदा भी अभी है प्रोग्राम अच्छा। एक सलवात पढ़ो बाबा जबला है जी अच्छा अच्छा एक दफा बात भी जबान को मुत्तर करो सलवात पढ़ो बाबा देखो यार के बुजुर्ग या अली या अली अली बादशाह ते शाही अली दी 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 सुनो मोमनो हे खुदा अली बादशाह आबाद रहो बजते रहो। बजुर्गों के अंदाज बहुत पुराना कसीदा भाई जान बजुर्ग लिख गए और पहाड़ियों आप गए ठीक है ना आबाद रहो बजते रहो कोई तो दी नहीं कोई तशरी नहीं डायरेक्टली जनाब के हवाले शेयर करना चाहता अली ला फता हे जड़े आके पीने दे ओ बन दे तवेंगे जड़े आके पीने दे ओ बन दे तवेंगे जिन्हा आके की ती गदाई अली बादशाह सलामत रहो आबाद रहो। मैं क्या जड़े आके पिन दे ओ बन दे तवंगा आप नहीं आखा मैं भाई जान तारीख देवार खोल ओ नबी ना साइल आया वाह क्या तेरे बच्चे को याद है मौला भुखा रोटी खवा अली परमंदर कंबर जी मौला जल्दी कर को खाना खवा कंबर आजा मौला खाना दस्तरखान अली परमंदर जल्दी कर दस्तरखान दे मौला दस्तरखान उठ चली फरमाने जल्दी कारी कोठ दे मौला लंबी कतार है किताब दिना भाईजान फजाइल मुर्तज़ी बन के देख गिने उस दे विच पहले मैं भी सत्तर पढ़दा बुजुर्ग जाकिर भी सत्तर पढ़ते हैं सत्तर उठ सत्तर उठ उस दे विच मुसन्निफ लिखा भी सत्तर ना यो चार सौ उठाई मैं कह वाह या अली हाल ही तक तेरे दुश्मन को सत्तर नहीं पे पचदा अल्लाह जाने चार सौ उठ किवें पचे सी अच्छा ठीक भाई जान चार सौ उठ दी कतार मिल गई नबी ना तो मौला देखा तो हा कितनी बड़ी सखावत की थी मौला फरमाने लोड़ नहीं जल्दी कर या रस्सी अखी तिला तो जो जो चाहे ना कर सकता ठीक है भाई जान बिलाई मिली पहले आप मांग के खाना यूं आप लंगर चलाई खड़े
दूर दराज तक शोहरत पहुंची। लोग टुरदे टुरदे दस्तरखान ते आए, त्रै दोस्त आए जिन्हें कुल ठाई पहली जिंदगी मंग के खान भाई किबला साहब आए गए, ए शेर मुकम्मल करके किबला साहब का हुक्म पूरा उतू दो या त्रै बहन बस जनरल मंग के खाँदा आए। पहला तो यार भला मैं भूलदा ओहो नहीं जेड़ा मंग के खाँदा आए, दूजा तो नहीं भले किवें थी सकता वह जम तो ला दान आई एडे के दही खड़ाई तो नाले मंग के खाँदा इन दस्तरखान डिठे नहीं ये जो खाने असर तो दुनिया के नहीं डिठे जड़े इतना पे चलते हैं। त्रीजा तो यार बहस क्यों करें दे जुल के इंदे को पुछ गिनने हम तो बच्चे मेरे पास करे इंदे को पुछ गिनने इतनी सलाह करके इंदे पास देख के यार भला तू अंधा ना मैं जरा इन्हें जवाब दिता भाई बाकर खां तवज्जो करे सो जरा इन्हें आखे ना भला तू अंधा ना मैं ये इन्होंने पास देख के हाँ मैं जहरी अंधा था लेकिन तुरी कार अकल का अंधा कोई ना बोल गिन सो यार तवज्जो करे सो यार अगर मैं अकल का अंधा हुआ तो मैं अली को इमाम ना मना। अच्छा तू है आदे हाँ हाँ ए भी नहीं कि में मिली है ए माल दौलत कि में मिल रही उस वेले अके जाहिरी अंधा इन अकल दे अंधा ने पादरे क्या दे मंगी हम रोटी ते मिलियन कतारा मंगी हम रोटी ते मिलियन कतारा ते मिलिया है नखिया ते जिठियन बहारा शला जीवनी बचड़े मौला सला जीवनी पे ओ बचड़े ओ मौला न भूलसी मुझे किल कुशाई अली दी अली बादशाह है। बात रवस देो मस्जिद में चुप खड़ी है रिसालत की आबरू कोई सवाल करना सिखा दे बतूल को अल्लाह मुकान कबूल करी। बस कल आवन वाली रात बतूल दी जिंदगी दी छेकड़ी रात उसी ए खाके मदीना तेरे जर्रों में अभी तक ए खाके मदीना तेरे जर्रों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। बस दो दे दो बहन नहीं कफन रसूल दा नहीं कफन रसूल दा मैला होया अग लई गई घर जहरा दे ते जिथे आन रसूल इजाजत मंगदा उत्थू उठे हैं शोले आबाद रहो जिथे आन रसूल इजाजत मंगदा उत्थू उठे हैं शोले भादे मोसना कुओ आए वैन हुसैन दी माँ दे ओ कतल की आई मेरा मोसन फिजा मेरे वारिस को इतला बस तेरा आबाद रहो किबला डा रमजान दी सुबह शाह अबी तालिब मलिकतुल अरब बीबी का छेगड़ी वेला सरदार अंबिया दिया अखा नहीं सावन दे बदल बने हुए आ क्या दिन खदीजा तू अरब अरब पति खा तू नामे सारी दौलत मेरे मिशन ते खर्च की थी जिंदगी दे आखरी आयाम फाकिया ते वक्त गुजरदा रही है मेरा दिला दे कुछ मांग मैं देवा मेरी सैन अदब दा सार झुका क्या दे बतूल दा बाबा भावे जो मैं अरब दी अरब पति खा तू न लेकिन जेड़ा अल्लाह ने मेरे को तेरी कनीजी दे विच मकाम अता कीता जो पहले तक कोई नहीं मेरी कोई हसरत नहीं नबी रो के फरमाइंदे ने खदीजा
अज मैं मुहम्मद हो के नहीं बल्कि नबी हो के हुक्म पिया लेना कुछ मांग। जब नबी ने गल की थी, मेरी सैन ने चारे पासे दी दौड़ी है, दी उथई रुक गई है जिता मासूमा धी बैठी आई। अकल मार के आज ये बात मां जरा मेरे नेड़े आ, मेरी सैन वालदा दे कोल आ खड़ी है, जमीन हलन लगी है। जनन मेरी सैन ने धी दा हाथ पकड़े, धी दा हाथ पकड़ के बार जा तेरे के आज बतूल दा बाबा मैं मंगा तो कुछ नहीं, जब मेरे को मजबूर पे करें दे हो तो मेरे नाल ही वादा करो, मेरे बाद मेरी धी न रोए। मेरी जिंदगी दा कुल सरमाया मेरी हिका धी बतूल है। अल्लाह मुकान कबूल करी बच्चे कड़ी बहन, नबी दी अखा नहीं सावण दे बदल बन गए। मेरी सैन रो के आज बतूल दा बाबा मैं मंगा तो औखी गल तो नहीं की थी, तुसा मजबूर कीता है। औलाद हर प्यो माँ को प्यारी होंगी है, मेरी औलाद नरी नहे कोई ना मेरी हे हिका थी। नबी पर मैंने कदी जा, जब तक मैं जिंदा राजा तेरे नाल वादा करे ना बतूल न रोजी। जनन मैं दुनिया तू टुर वजा वा तू मुसलमान की मर्जी आखिर जा, बतूल तू मसले तू ही भूल गई है। अल्लाह मुकान कबूल करी मेरी सैन फरमाए, क्या मेरे बाद मेरी धी ते बहुडो खावने न। आ खदीजा तेरे बाद तेरी धी ते बहुडो खावने न, कुछ दसो तो सही है। नबी ने भाई जान अंगला नाराज की न, मेरी सैन दीद की रोंदे रोंदे मेरी सैन गश कर गई है, गश तो फाका हो। नबी रो के फरमे ने दसा खदीजा क्या रिठाई है, मेरी सैन रुनिए रो के आज खड़ी साइल बन के धी मेरी, ते कह जालिम दा दरबार दू पुत गवाहे नाल फिजा खड़ा चुप करके करा। अल्लाह मुकान कबूल कर यार उससे रहो। ओ दू पुत्र गवाह हे नाल फिजा खड़ा चुप करके करा, याद उसे लाभ समझे बीबी याद ये ओ कोई नहीं पूछ दे क्यों आइए जहरा, क्यों आइए जहरा बेदीन पे हस दे सारे, ओ बैठी सनद दे पुर दे चुनदी है पैरों दिस पुता रपिया। या रसूल अल्लाह मिंबरी तेरे कोई गैर बैठे, मेरी धी रोंदी खड़ी अल्लाह जाने राज क्या है, ओ तेरी सना दे पुरदे चुनदी है कि नौ हसन रोंदे कि नौ हुसैन खड़ा रोंदे।